हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। तो वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग। वीडियो के बाद मुझे हेट करने लगा, बट मैं एकदम लॉजिक की बात करूंगा, ठीक है, लॉजिक की बात करूंगा। प्लीज़ उसको समझने की कोशिश करो। पैट्रियोटिज़म एक अलग डिफरेंट चीज़ है। मैं भी चाहता हूँ हमारा इंडिया का चैनल आगे बढ़े, मैं भी चाहता हूँ, बट कंपनी ना, लाइक एक कंपनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्यूडीपाई को क्यों मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ मैं बताता हूँ, ठीक है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में कुछ ज़्यादा बोलना मत, क्योंकि चलो बोल भी दोगे आपकी वो मर्जी है, ठीक है। प्यूडीपाई को मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो इंडिविजुअल क्रिएटर है। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिविजुअल क्रिएटर पहले 100 मिलियन हिट करे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, मैंने टी सीरीज़ के बहुत सारे ट्रैक्स यूज़ किए। हम क्रिएटर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है टी सीरीज़, वो डायरेक्ट कॉपीराइट कंटेंट लगा देता है, कॉपीराइट लगा देता है। जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे अमित बरदाना हो गया, आशीष चंदिलानी है, ये अगर टी सीरीज़ का यूज़ करते हैं ना तो कंटेंट, तो कई बार इनकी तो बनी हुई है टी सीरीज़ के साथ, तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यूज करते, कई बार इन्हें भी कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, ठीक है। आप टी सीरीज का, आपने कभी प्यूडीपाई का देखा होगा, उसका प्यूडीपाई का है 300 मिलियन व्यूज एक महीने में, लेकिन टी सीरीज का अगर आप देखोगे ना, टी सीरीज का एक दिन का है 100 मिलियन व्यूज। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि टी सीरीज कितना कमा रही है, ठीक है। बात को समझो कि गैस मैं क्यों कह रहा हूं कि प्यूडीपाई को 100 मिलियन पहले क्रॉस करने दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक इंडिविजुअल क्रिएटर पहले 100 मिलियन क्रॉस करके एक रिकॉर्ड बना ले, चाहे टी सीरीज़ बाद में उसको ओवरकम कर ले। टी सीरीज एक कंपनी है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल नहीं, ये कंपनी है, कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं था। पता नहीं किन बेवकूफ़ों ने इन दोनों का कंपटीशन करा दिया कि टी सीरीज आगे आ जाएगा, टी सीरीज ये है, और गालियाँ निकालने लग गए एक दूसरे को। प्यूडीपाई ने एक सार्काज्म किया था, अगर आप नहीं समझ सकते सार्काज्म क्या होता है तो फिर आपको ज़्यादा जानना पड़ेगा कि सार्काज्म होता है क्या है। मैं खिलाफ नहीं हूँ अपने, लाइक टी सीरीज़ के भी खिलाफ नहीं हूँ, पर आपने सलील जमदार का भी देखा था, उनका यूट्यूब चैनल है। सलील जमदार ने जब टी सीरीज के अगेंस्ट बनाया था, डिस्ट्रैक्ट बनाया था, तो ट्रिपल डिस्ट्रैक्ट बनाया था उसने, टी सीरीज ने फिर टेक डाउन कर लिया था वीडियो। हम छोटे छोटे यूट्यूबर्स, हम छोटे छोटे क्रिएटर्स, हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, और ये मतलब टी सीरीज वाले कॉपीराइट क्लेम लगा के हमारी सारी वीडियो की मेहनत ख़राब कर देते हैं, ठीक है। अगर हम 5 सेकंड का भी क्लिप यूज़ कर लें या 5 सेकंड का भी म्यूज़िक यूज़ कर लें, क्या हमें कोई राइट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग परेशान है पर कोई खुल के नहीं कहता। आपने आशीष चंचलानी को देखा होगा कि वो टी सीरीज़ का सपोर्ट कर रहा है, टी सीरीज़ को सब्सक्राइब करो, टी सीरीज़ को ये, टी सीरीज़ को वो, टी सीरीज़ को ये करो ये करो। बट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि टी सीरीज़ को अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, पर प्यूडीपाई को आप प्यूडीपाई के चैनल पर जाके आप कमेंट कर रहे हो, ये तो हिपोक्रेसी हुई ना एक टाइप की। आपको अगर सपोर्ट दिखाना है, लोगों को डर लगता है कि यार मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे से गुस्सा हो जाएंगे, कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे अनसब्सक्राइब करेंगे, मुझे हेट करना शुरू कर देंगे। यही कैरी मिनाटी के केस में आता है। कैरी मिनाटी ने जब डिस्ट्रैक्ट निकाला था टी सीरीज के साथ, प्यूडीपाई का डिस्ट्रैक्ट निकाला था, उसको तो 1 मिलियन लाइक आ गए थे, 1.1 मिलियन लाइक्स आ गए थे, लेकिन सबके अंदर में एक बात जग रही है कि प्यूडीपाई को 100 मिलियन पहुंचना चाहिए, या एक क्रिएटर को 100 मिलियन ये हिट करना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी और एक क्रिएटर का कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता। क्योंकि कंपनी में एक, जब भी कोई वीडियो बनती है, ठीक है, एक कंपनी में जब भी वीडियो बनती है, उसमें कैमरा होंगे, HD कैमरा होंगे, HD लाइट्स होंगी, एक्टर्स होंगे। माना कि कंपनी जो टी सीरीज कंपनी है सबको पैसे देती है, पगार देती है, बट हम क्रिएटर्स सिर्फ अपने छोटे से कैमरे में, मोबाइल में, तो छोटा सा वो भी किश्तों पर DSLR लेके वीडियोज़ बनाते हैं, तो टी सीरीज जो वो कॉपीराइट स्ट्राइक लगाती है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कभी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगाते, ठीक है, मैं डायरेक्ट उनको ही, उनकी बात कर रहा हूँ। और जो साइमन सेस है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, ठीक है, और बहुत सारे लोग उनके खिलाफ होंगे और मेरे भी खिलाफ होंगे, लेकिन मैं अपनी बात पे अड़ा रहूँगा कि मैं जो सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ प्यूडीपाई को। बट मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इंडिविजुअल क्रिएटर है, मैं इंडिविजुअल क्रिएटर के साथ ही जाना पसंद करूँगा। आप मुझे चाहे जितना बोलो, लेकिन ये मेरा राइट है, मुझे बोलना है, और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है प्यूडीपाई को 100 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस करना पहले। बट टी सीरीज एक कंपनी है, वो ओवरटेक करेगी ही करेगी, एक फ्यूचर में आने वाले टाइम में करेगी ही करेगी। आप मुझे चाहे, मुझसे चाहे लिखवा लो, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं सपोर्ट कर रहे हैं टी सीरीज को, वो आपको मुंह तक नहीं लगाएगी टी सीरीज, ठीक है,
मुंह तक भी नहीं लगाएगी, आपको जानते भी नहीं टी सीरीज। सबको एक ना एक दिन बॉलीवुड में जाना है, इसलिए इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं कि टी सीरीज में जाना, हमने मतलब टी सीरीज में वो हमारा फेम होगा, ये होगा, बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ माना अच्छी कंपनी है, बट कम से कम एक इंडिविजुअल सपोर्टर का तो करो ना कम से कम। अब ट्विटर में जो उनका टी सीरीज के ऑनर है, उन्होंने भी वीडियो डाल दिया, अब सारे सेलिब्रिटी भी कर रहे हैं फोर्स की टी सीरीज को सब्सक्राइब करो, टी सीरीज को दुनिया का सबसे नंबर वन चैनल बनाना है, ये वो। बट कभी एक बार दिमाग ठंडे दिमाग से सोचना गाइस, इंडिया के पैट्रियोटिज्म को अलग रख के सोचना, ठीक है। मैं भी इंडियन हूँ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आई एम प्राउड टू बी इंडियन, ओके। तो कोई भी ये ना कहना कि जा तू स्वीडन चला जा, तू प्यूडीपाई का चमचा है, तू प्यूडीपाई का ये है, तू प्यूडीपाई का वो है, तू प्यूडीपाई का गुणगान गा रहा है। आई नो मुझे डिसलाइक्स आएंगे, लेकिन मैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो लाइक्स और डिसलाइक को टोटल काउंट करके वो बताता कि कितना आपका ऑडियंस रिटेंशन और कस्टमर इंट्रैक्शन होता है। मैं यूट्यूब के बारे में 2 साल से काम कर रहा हूँ तो यूट्यूब के बारे में जानता हूँ, ठीक है। और कई कहते हैं अब जो व्यूवर्स हैं, व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और जो क्रिएटर्स हैं बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू व्यूवर्स, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, व्यूवर्स और क्रिएटर्स भी दिन ब दिन थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़े तादाद में बढ़ रहे हैं। तो अब हमारे क्रिएटर्स की प्रॉब्लम समझो, ठीक है। आप प्यूडीपाई को अगर आपने बना लिया ना, प्यूडीपाई को अगर आपने 100 मिलियन करवा दिया, आप चाहे टी सीरीज को बाद में 100 मिलियन करवा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कम से कम एक सिंगल क्रिएटर को तो एक रिकॉर्ड बना दे दो, हाँ यूट्यूबर का, यूट्यूब का फर्स्ट क्रिएटर था। लेकिन टी सीरीज में फॉर एग्जांपल अगर कोई फैन फेस्ट होगा, टी सीरीज को कभी बुलाते, कभी सोचा होगा आपका फैन फेस्ट में टी सीरीज को, टी सीरीज की वीडियो आ रही, क्या आएगी टी सीरीज? टी सीरीज एक कंपनी है यार, कोई क्रिएटर नहीं है, कोई सिंगल बंदा क्रेडिट नहीं ले रहा। आप लोग समझा करो गाइस, मेरी यही वीडियो थी आपको बताने के लिए कि टी सीरीज को प्लीज़ अभी के लिए सब्सक्राइब ना करो, प्यूडीपाई को सपोर्ट करो, ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो शायद अच्छी लगेगी, थोड़ा अगर आप लॉजिक थोड़ा मैच्योर बन जाओ, हैं मैं बता देता हूँ, सलील जमदार भी गलत नहीं है, साइमन सेज भी गलत नहीं है, और बहुत लोग गलत नहीं है, वो लॉजिकल लॉजिक बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, मैं भी परेशान हूँ टी सीरीज़ है, और मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर टी सीरीज़ को सब्सक्राइब ना, मतलब टी सीरीज के लोग मुझे बोलें ये, क्योंकि मेरे भी बहुत सारी वीडियोस को इन्होंने कॉपीराइट क्लेम लगा के मेहनत मेरी ख़राब कर दी है। जिस गाने को मैंने यूज़ किया उस पे कॉपीराइट लगा दिया, 10 सेकंड में क्या चले जाते हैं तुम लोगों को, और हम 10 सेकंड का म्यूज़िक यूज़ कर ले, उसमें से भी पैसा आपको रेवेन्यू, सारा रेवेन्यू चाहिए, 10 से 20% का रेवेन्यू भी आप ले लेते हो। थोड़ा ध्यान रखो गाइस, इस चीज़ों से बचो, और प्लीज़ प्यूडीपाई को सब्सक्राइब करो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता मैं गलत हूँ तो वीडियो को डिसलाइक मार दो, मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरा काम है आपको बताना, आपको मुद्दे की बात रखना, ठीक है गाइस। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करना, और लोगों को आँखों खोलो, लोगों की आँखें खोलो। क्रिएटर्स सभी परेशान हैं, मैं खुद बताता हूँ, क्रिएटर्स बहुत सारे परेशान हैं, बहुत सारे जितने भी क्रिएटर्स हैं यूट्यूबर के, यूट्यूब के मुझे जानते भी हैं कुछ क्रिएटर्स, वो भी कहते हैं यार टी सीरीज के सब गुणगान गा रहे हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं इसके अगेंस्ट। सभी बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, अपनी इमेज नहीं खराब करना चाहते, अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं गंवाना चाहते, इसलिए। सो गाइस वीडियो मैं थोड़ी कंट्रोवर्शियल बना दिया, लेकिन मैंने अपने मन की बात रखी है। अगर आपको इसमें दम लगता है ज़रूर लाइक करिएगा, अदरवाइज आप डिसलाइक कर सकते हो, वो तो आने ही आने डिसलाइक, ठीक है, और कमेंट भी आने ही आने, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।